बाबा का बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। दरअसल लखनऊ प्रशासन की जो टीम है वो अकबर नगर में पहुंची और वहां पर जो अवैध रूप से मकान बने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। 1150 अवैध रूप से मकान चिन्हित किए गए, 150 ध्वस्त किए जा चुके हैं और ये कार्रवाई पिछली 10 जून से लगातार चल रही है। ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजरों की कार्रवाई जारी है। लगातार अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर हैं जो अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। हजारों की तादाद में घर हैं, सैकड़ों घर जमींदोज कर दिए गए हैं। बुलडोजरों को लेकर तमाम ये जो कर्मचारी है पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं क्या कुछ हो रहा है, कितना समय लगेगा, कितने घरों को गिरा दिया गया, कितने घर गिर गए हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम जय सिंह यादव है। कितने घर गिरा दिए अब तक? अभी इतना अंजाम तो नहीं है, लेकिन तो ज्यादा घर गिर गया, सब घर तोड़ के बोल रहे हैं, घर घर के बदले घर मिल रहा है। क्या निर्देश आप लोग को दिया गया है? कुछ निर्देश बताया गया है, इसे तोड़ना है, इतना तोड़ना है, कुछ बताया गया है? नहीं, बोले हैं जगह अवैध है, इसके लिए तोड़ रहे हैं। अच्छा, और अभी कितना टाइम और लगेगा ये सब तोड़ने में? इतना कोई हमको मालूम नहीं है कितना समय लगेगा। घर लोगों ने बनाए और लोग बड़े दुखी हैं, रोड पे आपको मिल रहे होंगे, दिख रहे होंगे, तोड़ते हुए क्या मन में आ रहा है? वो लोग यही बोल रहे हैं तोड़ रहा है, लेकिन तो बोल रहे हैं दूसरा घर मिल रहा है ना। हाँ। घर तोड़ रहा है, लेकिन साहब लोग दूसरा घर बना के दे रहे हैं उन लोगों को रहने के लिए। ठीक है, देखिए ये लगातार एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई के बीच में अलग अलग मशीनें हैं, पोकलेन है, बुलडोजर है, जेसीबी है, अलग अलग मशीनें हैं जो यहाँ बने अवैध निर्माणों को, घरों को तोड़ने का काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सवाल है छात्रों के भविष्य का। जी, आपको बता दें, नीट एग्जाम विवाद के बाद अब लगातार छात्रों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसी बीच एनटीए ने एक बयान आज जारी करते हुए कहा था कि 1563 जिनको ग्रेस मार्किंग मिली थी वो ग्रेस मार्किंग वापस ली जाएगी और इसमें दोबारा से एग्जाम होगा। 30 जून को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन आपको बता दें, बड़ा अपडेट है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। एनटीए पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। ये मामला सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर भी पहुंच चुका है और वहां पर भी नाराजगी लगातार व्यक्त की जा रही है। लेकिन यहां पर एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभ्यर्थियों की मांग है कि नीट को क्लीन करो और इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और अंजलि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे अंजलि का रुख करते हैं। अंजलि, छात्र सड़कों पर हैं, कल भी आपने बात की छात्रों से, नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और अब सीबीआई जांच की मांग, क्या देख पा रही हैं? बिल्कुल, ये तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ क्योंकि आज यहाँ पर और भी ज़्यादा संख्या में छात्र भी आए हैं और MBBS प्रैक्टिशनर भी आए हैं इन छात्रों का समर्थन करने के लिए। हम बात करेंगे उनसे क्योंकि आप यहाँ पर आए हुए हैं, हम देख पा रहे हैं, और जैसा कि आपकी मांग भी हम सुन रहे हैं। लेकिन इधर NTA ने अपनी गलती को स्वीकारा है और ये कहा है कि दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने ये तमाम जो बातें रखी हैं मैम, NTA ने